दोस्तों, क्या कभी आपने यह सुना है कि कोई घटना जो कई साल पहले ही बता दी गई हो और वो आज जाकर सच हो गई हो? हाँ दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि भाई इसे तो भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन कहते हैं। और दोस्तों, क्या आपने यह सुना है कि एक ऐसी सोसाइटी यानी एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि शैतान ही सब कुछ है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, आज मैं आपको 5 दुनिया के ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब का रोल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें और साथ ही साथ उस लाइक के बटन को भी प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड में ये वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 1, द सिम्पसन्स मिस्ट्री। दोस्तों, आपने कई मूवीज, सीरियल्स और अपने बचपन में कार्टून तो देखे ही होंगे। डोरेमोन, पोकेमोन और छोटा भीम, जिसे देखने के बाद हम घर से बाहर जाकर दोस्तों में एकाध को तो मजा चखा ही देते थे। दोस्तों, कार्टून की तो दुनिया ही अलग होती है, लेकिन एक कार्टून ऐसा है जो कि आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। वो कार्टून का नाम है द सिम्पसन्स। दोस्तों, ये कार्टून का पहला एपिसोड 17 दिसंबर 1989 को रिलीज किया गया था, पर इस कार्टून को रहस्यमय बनाती है इसमें की गई प्रेडिक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नोबेल प्राइज विनर तक की सभी घटना इस कार्टून में बताई थी, जो कि कुछ सालों बाद जाकर सच हो गई। दोस्तों, इस कार्टून के 2010 के एक एपिसोड में इस कार्टून का एक कैरेक्टर मिलहाउस नोबेल प्राइज विनर के नाम पर बेट लगाता है कि नोबेल प्राइज विनर बेंग्ड होमस्टोन ही होंगे, पर दोस्तों इस घटना पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2016 में जब इकोनॉमी की फील्ड में बेंग्ड होमस्टोन को नोबेल प्राइज दिया गया तब सभी चौंक गए। दोस्तों, मैं इस कार्टून की आपको एक और घटना बताता हूँ। सन 2000 में इसके एक एपिसोड में यह बताया था कि आने वाले समय में यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही होगा, जो आप इस सीन में देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके एक सीन में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एलिवेटर से उतरते वक्त लोगों को हाथ हिलाकर सैल्यूट कर रहे हैं, और फिर 2015 में डोनाल्ड ट्रंप असली में ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, इस कार्टून में दिखाई गई घटनाएं सच हो गई हैं और यह अभी तक रहस्य बना हुआ है कि जिन लोगों ने इस कार्टून को बनाया था उनको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी। नंबर 2, इल्यूमिनाटी। दोस्तों, 1 मई 1776 में जर्मनी के एक फिलोसोफर जॉन एडम विशर्प ने एक ऐसी सोसाइटी की शुरुआत की जिसका उन्होंने नाम रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इस सोसाइटी के लोग मानते थे कि भगवान नहीं होते। इस सोसाइटी के लोग लूसीफर नाम के एक शैतान की पूजा करा करते थे, जो इस सोसाइटी का हिस्सा बनता था उसके साथ एक डील की जाती थी कि तुम पूरी दुनिया में अशांति फैलाओ और बदले में तुम कम समय में बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। दोस्तों, आज भी यह एक रहस्य है कि सोसाइटी अभी है या नहीं, कौन कौन लोग इस सोसाइटी से जुड़े हैं आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। दोस्तों, माना जाता है कि हर एक अमीर और फेमस इंसान के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ होता है। नंबर 3, द टाइम ट्रेवल मिस्ट्री। टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री को आज से पहले ना ही कोई सुलझा पाया है और ये ना ही अभी तक सुलझी है। दोस्तों, मैं आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक ऐसी मिस्ट्री बता रहा हूँ जिसका नाम है जॉन टाइटर मिस्ट्री। दोस्तों, अगर आपने हमारी टाइम ट्रेवल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस पर जाकर देख सकते हैं। जॉन टाइटर वह व्यक्ति है जो यह दावा करता है कि मैं 2036 से IBM कंप्यूटर को लेने 1975 में गया था क्योंकि हमारी टीम को उसकी ज़रूरत है, और मैं वापस जाते वक्त 2000 में यह देखने के लिए रुक गया कि पास्ट कैसा था। उसने बताया कि 2036 में टाइम मशीन बन चुकी है और उसी की मदद से मैं पास्ट में आया हूँ। और दोस्तों, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि क्या 2036 में टाइम मशीन बन चुकी है। नंबर 4, नाजका लाइंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेंटिंग बनानी है, वो भी किसी कॉपी या फिर पेंटिंग बोर्ड पर नहीं बल्कि ज़मीन पर, वो भी छोटी मोटी नहीं कई किलोमीटर की, तो आप में से कई लोग कहेंगे पर दोस्तों, नाजका सभ्यता के लोगों ने यह चीज़ 500 BC के टाइम पर ही मुमकिन बना दी थी। ये जो आप आकृति और चित्र देख रहे हैं वो पेरू के नाजका रेगिस्तान के हैं। इन्हें उस सभ्यता के लोगों ने इतने सही मेजरमेंट और इतने बड़े फिगर्स को जमीन पर कैसे बनाया होगा? इतनी बड़ी आकृति को ऊपर से देखकर ही सटीक बनाया जा सकता है। तो क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वह आसमान में उड़कर देख लेते थे, या फिर ये लोगों का कॉन्टेक्ट एलियनों से था? ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, एलियन मिस्ट्री। दोस्तों, एलियन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर इंसान के मन में अलग ही खलबली मचाता है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें स्पेसशिप को देखा गया है और CCTV फुटेज भी यह बताते हैं कि एलियन मौजूद हैं। कुछ सालों पहले छत्तीसगढ़ में खुदाई के वक्त दूसरे ग्रहों के प्राणी यानी एलियन के अस्तित्व के सबूत मिले हैं,
और दोस्तों यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का दी एंड। हमने आज इस वीडियो में आपको बताया दुनिया के ऐसे 5 अनसुलझे रहस्य जो आज से पहले ना ही कभी सुलझे हैं और ना ही कभी सुलझे थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में यह वीडियो शेयर कर देना और ऐसा ही मिस्टीरियस नॉलेज गेन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना। सारे काम मैं ही करूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।